देखो सवाल नंबर 28 देखेंगे बच्चों, इसी प्रकार के सवाल आगे करना है हमको। यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल बोला है कि 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में खत्म करते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में खत्म करते हैं, ठीक है। और 12 आदमियों ने काम करना शुरू किया और 4 दिनों के बाद 12 बच्चे उनके साथ और आ गए, तो शेष काम सब मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले बच्चों की कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता। अब यहाँ पे दिया 16 आदमी, तो लिखो 16 मेल, ठीक है, एम रखा है साथ मैंने। एक काम को कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में करते हैं, बराबर है। अब उन्होंने बोला है जबकि 48 बच्चे उसी काम को, काम वही है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 48 बच्चे यानी कि बॉय उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 16 दिनों में करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना था, इनको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी दिनों की क्षमता या फिर कार्य क्षमता अपने को मिल जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे डायरेक्टली तो ऐसे हो जाएगा। देखो अब देखो, जो इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो नॉर्मली देख सकते हो तो 16 16 कट जाएगा, बराबर है क्या? तो यहाँ से 16 और ये 16 कट गया, कितना बचा? 24m = 48 बॉयज़, ठीक है, एकदम नॉर्मली एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे m अपॉन b कर लो, मतलब ये b को अपने इस तरफ नीचे लाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48/24, अब ये कट जाएगा, 24 एक 24, 24 दूनी 48, मतलब m/b = आ गया 2/1। तो यहाँ पे हमको ना कार्य क्षमता मिल गई इनकी, मेल एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट, और बॉय कितना करता है? 1 यूनिट। कितना समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे ना सबसे पहले हम लोग कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम निकालने के लिए क्या करना है, आप ना इस इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू पुटअप कर दो या फिर यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ के चलो, यहाँ पे लिखा है आपका 16m × 24। अब यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि मेल की कार्य क्षमता कितनी है? 2 की है, और मल्टीप्लाइड बाय 24 करेंगे तो अपने को कुल काम मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा? 7 6 8, ये टोटल वर्क आ गया आपका। क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया है। इतना समझ में आया? अब उसने क्या बोला है कि 12 आदमियों ने काम शुरुआत किया है, कितना? 12 आदमियों ने काम शुरू किया है, तो किया हुआ कार्य निकाल लो पहले। 12 आदमियों ने काम शुरुआत किया था और एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। कितने दिन तक काम करते हैं वो? 4 दिनों तक काम करते हैं, तो ये किया हुआ काम हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 × 2 = 8, 12 × 6 = 96, 96 काम ख़त्म करते, जो रिमेनिंग वर्क है, ठीक है, बचा हुआ काम, शेष काम कौन करेगा? मेल और बॉयज़ दोनों करेंगे। मतलब यहाँ पे रिमेनिंग काम निकाल लो, शेष काम कितना आ जाएगा? देखो माइनस करेंगे तो 2 7 और 672 काम बचेगा। जो ये 672 काम बचा हुआ है वो कौन कौन करता है पता है? वो करते 12 मेल + 12 बॉय, क्योंकि ना इसके बाद बोला है 12 बच्चे उनके साथ और आ जाते हैं, बराबर है। तो ये करने के लिए क्या करेंगे, 672 जो आपका काम है उसको डिवाइड करेंगे, 12 मेल है और मेल की कार्य क्षमता 2 की है, प्लस में 12 बॉयज की कार्य क्षमता 1 की है, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 672 / कितना? 12 × 2 = 24 और 12 = 36। 36 से जब इसको डिवाइड करते हो तो 6 से कट कर लोगे तो भी हो जाएगा, देखो 6 × 36, 6 × 6, इसके बाद वापस से 6 × 6 और 6 × 2 = 12, मतलब 112/6 आ गया। अब किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, देखो ये 2 × 1 = 2, 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, मतलब आया 56/3। जब इसको कट करोगे तो 3 × 3 = 3, 2 बचेगा, और 3 × 8 = 24, 2 × 3 = 18, मतलब 18.2/3 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 4 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है बच्चों, ठीक है। चलो लिख लो बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो, जो अगला सवाल 29 नंबर का है, 29 नंबर का सबको आ गया होगा, बराबर है, ये 29 नंबर का सबको आ गया होगा। इसका आंसर क्या है बता दो जरा, कितना है? 10 पूर्णांक 1/2। 10 पूर्णांक 1/2 और ये 30 नंबर का आंसर कितना है? 12 दिन। 31 नंबर कितना है? 7 दिन। 32
32 का आंसर कितना है? 10 दिन। 33 33 कितने लोगों का बच्चों ने आया? 15 इसका ना एक्चुअली मैं बता देता हूँ 33 नंबर का, एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों 33 नंबर का, 33 नंबर का अगर सवाल देखेंगे, इसमें ऐसा बोला गया है, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, 33 नंबर का सवाल बोला है कि इसमें 3 पुरुष 3 मेल और 4 महिलाएं, कितने लोगों को आंसर नहीं आया मुझे बता दो पहले, कितने लोगों को आया नहीं ये क्वेश्चन? बढ़िया है, यहाँ पे 3 पुरुष और 4 महिलाएं दीवार को 43 दिन में बना सकते हैं, मतलब 3 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है, कितने दिनों में दीवार बना सकती है? 43 दिनों में, बराबर है। तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं दीवार को बनाने में कितना समय लेंगे? तो बस यही सवाल करना था, इक्वल में 7 मेल प्लस 5 महिलाएं। नहीं रे रुको, देखो यदि 3 पुरुष 4 महिलाएं दीवार को कितने दिनों बनाती? 43 दिनों में, तो ऐसा लिखना है 3 पुरुष 4 महिलाएं एक दीवार को कितने दिनों में बनाती? 43 दिनों में। तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं ये दीवार कितने दिनों में बनाई, बस सवाल ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर जाएगा 3 × 4 × 43 / कितना? 7 × 5। तो आपको दिन मिल जाएंगे कितने दिनों में वो काम ख़त्म करेंगे बच्चों। जब कट करने जाओगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, 3 × 4 करोगे 3 × 4 = 12, 12 का गुणा जब करोगे 43 में तो कितना हो जाएगा? 12 × 3 = 36 और 12 × 4 = 48, 48 × 3 = 51, 516/35। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर जाएगा 14.7 समथिंग, ठीक है, लगभग। तो इसका जो आंसर आएगा वो 15 आएगा, लगभग 15 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया है 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से कर लेना, ये कर लो फटाक से। सवाल नंबर 34 कितने लोगों को नहीं आया ये बता दो। सवाल नंबर 34 तुम लोग को आ गया क्या? मतलब सवाल 34 नंबर किसी को नहीं आया, बराबर है। सवाल नंबर 28 वाला ही है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। इसमें क्या बोला है? 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 8 दिनों में। जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, 4 मेल प्लस 6 फीमेल ये काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 8 दिनों में, ठीक है। तो टोटल काम मिल जाएगा, और उसी काम को बोला है कि उसी काम को 3 मेल और 7 फीमेल कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे पता है? इससे आपको क्या मिल जाएगी? कार्य क्षमता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मिल गया तो आप ना डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसा हो जाएगा, देखो ये और ये कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है, 2 × 8, 2 × 5 = 10। अब 4 का गुना इसके साथ कर लो, 4 × 16 मेल + 4 × 24 फीमेल बराबर में हो जाएगा 5 × 3 = 15 मेल + 7 × 5 = 35 फीमेल, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग मेल को एक तरफ करेंगे, फीमेल को एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 मेल, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 15 मेल इक्वल टू 35 फीमेल - 24 फीमेल। कितना समझ में आया बच्चों? यहाँ पे 16 में से 15 गए तो कितना बचेगा? सिर्फ m बचेगा। 35 में से 24 गए तो 11 बचेगा, कितना बचेगा? 11, बराबर है क्या? 11 बचेगा ना, 11 फीमेल। यहाँ पे ना मेल फीमेल की कार्य क्षमता निकालेंगे तो मेल अपॉन आ जाएगा कितना? फीमेल इक्वल टू 11/1। तो यहाँ पे मेल की कार्य क्षमता कितनी है? 11 की, और फीमेल की कितनी है? 1 की है। तो पहले ना टोटल कार्य निकाल लो कितना है। टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 11 + 6 × 1, और ये लोग कितने दिन काम करते हैं? 8 दिन, ठीक है। तो इसमें टोटल वर्क मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क, मतलब कुल काम मिल जाएगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा? तो 11 × 44 और 6 = 6,
44 और 6 कितना होता है 50, 50 गुना में 8 करोगे तो 400 काम, टोटल काम कितना है 400 है। इतना सुना है बच्चों? तो आगे सवाल में क्या बोला है, कर सकते हैं। तो 10 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगी? तो ये जो काम है ना बेटा, यहाँ पे टोटल काम है 400, इसको 10 औरतें करेंगी। कितने? 10 औरतें, 10 फीमेल को काम करना है, और फीमेल की कार्य क्षमता कितनी है? एक की है। तो यहाँ पे 10 गुना में एक, मतलब 10 एकम 10, मतलब 400 बटे में कितना आएगा 10। तो ये 0 0 से कट गया, मतलब 40 दिन लगेंगे। कितने? 40 दिन लगेंगे। ऑप्शन में दिया है 40 दिन लगेंगे, सी नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलो लिख लो फटाफट। देखो बच्चों, सवाल नंबर 35 देखेंगे। सवाल नंबर 35 में क्या बोला है, 8 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो सबके ना कार्य क्षमता निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता। यहाँ पे 8 आदमी बोला है, तो मतलब 8 मेल एक काम को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में करते हैं। बराबर है? बराबर में उसी काम को बोला है, उसी काम को 4 औरतें कितने दिनों में करती हैं? 48 दिनों में करती हैं। और उसी काम को 10 बच्चे 24 दिनों में करते हैं। 10 बॉय कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, यहाँ पे मेल आ गया, यहाँ पे फीमेल आ गई, और यहाँ पे बॉयज आ गए। ठीक है, तो इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। अब नॉर्मली देखो, कौन सी संख्या से सब संख्याओं में से कटने वाली संख्या कौन सी है? 4 से भी कट रहा है, ठीक है, और 12 से भी कट रहा है। देखो कैसे पता है, 12 एकम 12 चौक 48 और 12 दूनी 24। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बच्चा पता है, 8 एकम 8 m बराबर में 4 चौक 16 f बराबर में 10 दूनी 20 बॉयस। बराबर बच्चों? अब इसमें से और किसी संख्या से कट रहा है क्या? सब 4 से कट रहा है। देखो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, मतलब यहाँ पे बचा 2 मेल बराबर 4 फीमेल बराबर 5 बॉयज। अब बच्चों क्या करेंगे, बराबर में दिया ना, क्योंकि उसी काम को इतने दिनों में कर सकते, तो सब क्या है? बराबर है। अब क्या करेंगे बच्चों, इनका एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम। तो डायरेक्ट आपको कार्य क्षमता मिल जाएगी। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या जाएगा? एलसीएम निकाल लो। किसका किसका? 2, 4 और 5 का, वो कितना जाएगा? 20। इतना बराबर हुआ। अब क्या करो, 2m/20 एलसीएम से डिवाइड कर लो। इक्वल टू 4f बराबर कितना आ जाएगा? 20। और 5b बराबर कितना आ जाएगा? अपॉन में 20। अब ये कट कर लो बच्चों, कट जाएगा। देखो, 2 10 20, 4 5 20 एंड 5 4 20, मतलब जो m अपॉन आया वो कितना आया? 10 बराबर में। इसके बाद f अपॉन में कितना आया? 5 बराबर में। b अपॉन कितना आया? 4, मतलब ये इनकी कार्य क्षमता मिल गई। क्या मिल गया बच्चों? कार्य क्षमता। मतलब मेल एक दिन में कितना काम करता है? 10, फीमेल 5 और बॉयज 4 काम करते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो काम था ना बच्चों, 10 आदमी 4 औरतें और 10 बच्चों को एक साथ करना है। अब काम कितना है? देखो, सबसे पहले बात इसमें बोला है कि 10 मेल बराबर है क्या? 4 फीमेल और 10 बॉयज़ को ये काम कंप्लीट करना है। सवाल दिया है, और काम कितना दिया है? काम तो इतना है ना, काम इसको ले लो, इसको ले लो, किसी को भी एक उठा लो, पूरा काम मिल जाएगा। तो जो टोटल काम आपका दिया गया है, वो दिया है आपका काम, देखो टोटल वो 8 × अभी मेल कितना काम करता है? 10। तो यहाँ पे 8 मेल है, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड वो कितने दिनों तक काम करते हैं? 12 दिनों तक काम करते, टोटल वर्क हो गया। अब करना किसको है? 10 मेल को। कितने? 10 मेल को, है ना? तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा। हाँ, तो यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा, 10 × 10 प्लस 4 फीमेल, 4 × फीमेल कितना काम करती है? 5। चलो तो देखो, 35 नंबर का सवाल देखो, डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वापस एक बार बता देना, ध्यान रखो। देखो सवाल में क्या बोला है, 8 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 4 औरतें उसी काम को 48 दिनों में, और 10 बच्चे उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो सवाल में दिया गया वही लिखना है, 8 मेल 12 दिनों में काम करते, ठीक है, और 4 फीमेल 48 दिनों में काम करते, और 10 बॉयज 24 दिनों में काम करते।
मतलब काम तो सब एक ही होगा, काम तो बदलेगा नहीं, तो हमने क्या किया इनको बराबर में रखा, इक्वल में रखा, ठीक है। जो काट कट रहा था वो कट कर लिया हमने, सबसे पहले ना 12 से कट किया, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, अब यहाँ पे क्या बचा 8m, 16f और 20b बचा यहाँ का। अब ये 2 से वापस 4 से कट रहा था, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, मतलब यहाँ पे जो बचा आपका 2m, 4f और 5b। इसकी कार्य क्षमता निकालने के लिए हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, क्या लिया एलसीएम, जो एलसीएम कितना आया 20। जब एलसीएम से हम लोग इनको डिवाइड करेंगे तो 2m अपॉन 20, 4f अपॉन 20 इक्वल टू 5b अपॉन 20। जब इसको कट करते हो ना बच्चों, तो हमको क्या मिल जाएगी कार्य क्षमता, देखो 2 से कट किया 10 आ गया, 4 से कट किया 5 आ गया और 5 से कट किया 4 आ गया, मतलब मेल की कार्य क्षमता कितनी है 10 यूनिट की, फीमेल की कितनी है 4 की और बॉयज की कितनी है 4 की, ठीक है। तो ये जो अपनी कार्य क्षमता आ गई ना, अभी सबसे पहले हमने क्या किया कि कार्य पूरा निकाला कि कार्य कितना है, कि इसमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा के आप रख सकते हो, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। हमने पहला लिखा 8 मेल था, मेल की कार्य क्षमता कितनी है 10 की है, तो 8 इंटू 10 की है, इंटू वो 12 डेज काम कर रहे थे तो 12 रखा यहाँ पे, ठीक है। अब काम किसको करना था पता है, यहाँ पे 10 मेल 4 फीमेल और 10 बॉयज को एक साथ काम करना है, तो उनकी कार्य क्षमता हमने नीचे रख दी। जो मेल था एक दिन में 10 मिनट काम करता, और कितने लोग काम कर रहे थे 10 लोग, ठीक है, 10 इंटू 10 की है, प्लस में 4 इंटू 5 मतलब 4 क्या दिया है फीमेल, उनकी कार्य क्षमता 5 की है, तो ये रखे, प्लस यहाँ पे 4 की कार्य क्षमता बॉयज की और 10 बॉयज काम कर रहे थे, तो इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 का गुना 10 में किए 100, 4 का गुना 5 में किया 4 पंचे 20 और 100 कितना 120, 4 दहम 40, 120 और 40 कितना हो गया 160 हो गया। 8 इंटू 10 इंटू 12 जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपका आंसर कितना जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब ये पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेंगे 6 दिनों में खत्म करेंगे, ठीक है। बच्चे यहाँ पे आंदो, यहाँ पे सवाल नंबर 36 देखो, 36 नंबर का सवाल देखेंगे। सवाल में क्या दिया, 12 पुरुष कृषि कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं 36 दिनों में, देखो 12 मेल किसी काम को 36 दिनों में करते हैं और उसी काम को बोला है, उसी काम को 18 महिलाएं हैं कितने दिनों में करती हैं 60 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 12 से कट जा रही है, कितने से 12 से डायरेक्ट कट कर सकते, 12 का 12, 12 पंचे 60, 6 से भी कट जा रहे हैं, 6 का गुना 6 में करेंगे तो 6 चार 36 और 6 त्रिक 18, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा 6m इक्वल टू कितना 3 पचे 15 फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे मेल अपॉन फीमेल जब करेंगे तो आ जाएगा 15 अपॉन 6, कितने से कट रहा है 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, जिनकी कार्य क्षमता आ गई m अपॉन f की वो आ गई 5/2, मतलब मेल की कार्य क्षमता कितनी है 5 की और फीमेल की 2 की है, कार्य क्षमता मिल गई। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क बोले तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, कहीं पर भी रख दो आपको मिल जाएगा। तो 12 गुना में 5 कितना आ जाएगा प्लस गुना में 36, तो ये आएगा 2160, देखो 12 पंचे 60, 60 का गुना 36 में करेंगे तो कितना आएगा 2160, तो ये टोटल वर्क हो गया। इसके बाद बोला गया सवाल में कि 8 पुरुष और 20 महिलाएं 20 दिन के लिए साथ में काम करती है, यहां पे ध्यान सुनो बच्चों, 8 मेल और क्या बोले हैं 20 फीमेल साथ में काम करती है कितने दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए 20 दिनों के लिए, तो इतने दिन में काम कितना होगा, तो सबसे पहले वो निकाल लेंगे, जो मेल की कार्य क्षमता है 5 की और जो फीमेल की कार्य क्षमता कितनी है 2 की, तो 20 गुना में 2 मल्टीप्लाइड बाय 20, जब ये करेंगे 8 पंचे 40 और 20 दूनी 40 और 40 80 गुना में 20 करेंगे तो कितना काम हो गया 1600 काम हो गया है, बराबर है। तो आगे सवाल क्या बोला है, यदि केवल 4 महिलाएं शेष बचे कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले ये देख लो काम कितना बचा है, क्या देखेंगे काम, तो शेष कार्य देखेंगे आप, शेष कार्य कितना है, शेष कार्य आपका आ जाएगा 2100 में से 2160 में से माइनस करेंगे कितना 1600, जब ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये 560,
ये शेष काम है, और जो शेष काम है ना वो कितने दिनों में खत्म करते हैं? 4 दिनों में। जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 140। कितना? 140। पॉज कर वाला कहां पे गड़बड़ हो गया? पॉज कर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो गया? 140 काम बचा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो औरतों की कार्य क्षमता कितनी थी? 2 की है। तो यहाँ पे जब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे ना अपन ने 2 से डिवाइड करना था, 4 दिन में काम कर रहे थे वो, और जो फीमेल की कार्य क्षमता है 2 की कार्य क्षमता है, तो 4 गुना 2 में आपको डिवाइड करना था। तो यहाँ पे 2 रह गया, 2 से डिवाइड कर लो तो 2 × 7 = 14, मतलब कितने औरतें लगेंगी? 70 औरतें लगेंगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 70। पॉज कर लो, चलो लिखो।